ये कौन सा डोसा लगाने जा रहे हो अभी अपन? फायर डोसा है तुलकलम। अच्छा फायर डोसा है? हाँ तुलकलम। अच्छा अच्छा कौन सा वाला? तुलकलम। अच्छा कुल कलम, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर अपना पूरा का पूरा बैटर फैला देगा। अच्छा तूफान डोसा है? बिल्कुल तूफान डोसा है। चलो बढ़िया, देख लो यहाँ पर अपना पूरा का पूरा बैटर फैला देगा। चावल का बैटर रहता है? अच्छा रवा का बैटर है, ठीक है। इसके ऊपर क्या डाल दिया? अच्छा नेक्स्ट देखो भाई बटर लगा दिया, पूरा का पूरा फायर वाला बन रहा है। ये ऊपर से आएगा शेजवान सॉस। अगला क्या आ गया? मसाला आ गया, ये लाल मिर्च, ठीक है। उसके बाद में क्या रहेगा? टोमेटो सॉस आ गया, टोमेटो सॉस आ गया। हाँ। अगला क्या डालोगे? ये चिली सॉस। अच्छा ये चिली सॉस आ गया। हाँ। वैसे इस डोसे का रेट कितना रहने वाला है? 200 रुपए। हाँ। ठीक है नेक्स्ट अभी क्या डाल रहे हो? मेयोनीज डाल दिया। अच्छा इसको मेयोनीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई मेयोनीज डाल दिया इसके ऊपर में। अगला भी डाल दिया। अच्छा मिर्ची आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देख लो भाई डाल दिया इसके ऊपर में मिर्ची। अगला भी क्या आइटम आ जाएगा? शिमला मिर्ची आ गया। अच्छा ये आ जाएगा शिमला मिर्ची, ठीक है। और क्या आ जाएगा? हल्का टोमेटो आ गया। ये आ गया हल्का सा टोमेटो, धनिया ये आ गया हल्का सा हरा धनिया। अगला क्या आ जाएगा? प्याज। अच्छा प्याज आ गया। वैसे अपना इंदौर स्टाइल बन रहा है कि मुंबई स्टाइल बन रहा है? ये मुंबई स्टाइल है। अच्छा बम्बई स्टाइल बन रहा है, चलो बढ़िया भाई, ठीक है। यहाँ पर देखो भाई अच्छे तरीके से ना सारे के सारे वेजेस डाल दिए गए। यहाँ पर देखो भाई मेयोनीज बटर और सारे के सारे वेजेस को ना अच्छे तरीके से मिला दिए गए। तो अपने कितने टाइप के डोसा मिल जाते भैया? हम लोग का 250 वैरायटी है। 250 वैरायटी? अरे बाप रे। यहाँ पर देखो भाई पनीर डाल दिया, किसी किसी वैरायटी का नाम लेकर के दिखाना। हाँ जिनी पिज्जा ओपन चीज स्प्रिंग रोल मटका। अरे बाप रे इतने सारे, ठीक हाँ। है। नेक्स्ट देख लो भाई यहाँ पर ऊपर से ढेर सारी चीज डाल दी गई है भाई साहब। ये दिखने में इतना बढ़िया लग रहा है, इसका टेस्ट कितना बढ़िया होने वाला है। ये अभी क्या जाएगा? आ गया। अच्छा कॉर्न भी आ जाएगा? हाँ। अरे वाह भाई देख लो इसके ऊपर कॉर्न भी डाल दिया। इतनी सारी स्टफिंग वाला भी अगर आपको डोसा मिल जाए तो भाई अलग ही स्वाद होता है। नेक्स्ट देख लो भाई यहाँ पर ना इसको अलग से अच्छे तरीके से ना इसको पूरा का पूरा मिला दिया गया। तो भैया कितने बजे लगा लेते हो डोसा अपना यहाँ पर? 11 बजे तक रहेगा। और कितने बजे चालू कर लेते हो? सुबह 10 बजे कर लेते हो। चलो बढ़िया, देख लो यहाँ पर अच्छे तरीके से पूरा पूरा मसाला जो है वो अच्छे तरीके से फैला दिया गया। नेक्स्ट अभी क्या डाल रहे हो? बटर वापस से? वापस, ठीक है। ऊपर से देख लो ढेर सारा बटर डाल दिया। अभी और भी कुछ आएगा कि तैयार है? बस हो गया, बस अभी हो गया। चलो ठीक है फिर इसको मिला दो अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको दिखाता हूँ जो मसाला है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ पर पकाया जा रहा है डोसे के ऊपर में। तो मसाला डोसे के अंदर ही मिलेगा कि अलग से मिलेगा? डोसे के अंदर ही मसाला मिलेगा कि अलग से? अंदर, डोसे के अंदर ही, ठीक है। तो भाई देख लो यहाँ पर ना अच्छे तरीके से पूरा पूरा अपना जो मसाला है वो रेडी कर दिया भाई। देख लो आग देखो, अरे मेरे बाप रे बिल्कुल भड़का सा दिया भाई। कभी आपने खाया है भाई नागपुर के अंदर में फायर डोसा? कमेंट सेक्शन में जरूर से एक बार बताना मेरे को, ठीक है। तो भाई नेक्स्ट देख लो यहाँ पर ने इसको अच्छे तरीके से काट दिया। तो चीनी डोसा जैसे करोगे प्लेटिंग? नहीं, अच्छा अलग तरीके से आता है, ठीक है। तो भाई यहाँ पर देखो अपने डोसे की ना प्लेटिंग की तैयारी शुरू कर दी, जिसके सबसे पहले देखो आपको डोसा काट दिया गया। इसके ऊपर और चीज आएगा कि अभी हो गया? चीज आएगा अभी। अरे बाप रे, मतलब 200 रुपए लेकर के आ रहे हो तो भाई 200 रुपए में आपका आराम से पेट भर जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख भाई पूरा का पूरा अपने यहाँ पर ना डोसे को कटिंग कर दी गई है। नेक्स्ट अभी चीज़ डालोगे? चीज़ आएगा, ठीक है। ये देख लो भाई डाल दिया ऊपर से यहाँ पर ढेर सारा चीज़। क्या बात है। तो आप इंदौर से सीख कर गए हो मुंबई से सीख के आए हो? इंदौर मुंबई गुजरात सब। अच्छा, हर जगह से सीख के आए हो। चलो बढ़िया भाई, देख लो यहाँ पर ना ऊपर से अपना पूरा का पूरा ढेर सारा चीज़ डाल दिया गया। क्या बात है भाई, ये डोसा इतना बढ़िया लग रहा ना भाई, इसका क्या ही बढ़िया सा टेस्ट होने वाला है। प्लेटिंग करके आपको टेस्ट भी करके बताएंगे भाई इसको, एक नंबर हो गया अभी तैयार। ऊपर से आ गया हल्का सा हरा प्याज, हरा प्याज डाल दिया। हरा धनिया ये ऊपर से डाल दिया, देख लो हरा धनिया बस हो गया, रेडी हो गया, ठीक है। तो फिर इसकी प्लेटिंग कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई अभी यहाँ पर ना इसको अच्छे तरीके से यहाँ पर पूरा प्लेटिंग करेंगे, आपको दिखाता हूँ। ऊपर से देख लो पूरा का पूरा मसाला, देख लो एक नंबर लग रहा है, देख लो। आपने रेगुलर मसाला डोसा तो हर जगह खाया होगा, रेगुलर डोसा हर जगह खाया होगा, लेकिन आप कमेंट्स में बताओ क्या कभी फायर डोसा खाया हुआ है। तो फाइनल देखो भाई अपने यहाँ पर जो डोसा है वो रेडी हो चुका है फायर डोसा, और यहाँ पर करी जा रही है, देख लो इसकी प्लेटिंग और कितना ही बढ़िया सा लग रहा है बिल्कुल। टेस्ट भी करके बताएंगे मेरे को चीज़ी वाला डोसा है कैसा। ये निकाल जाए देख लो यहाँ पर अपना, और एक और फाइनली आ जाएगा देख लो अपना लास्ट के। तो इसके ऊपर भी चीज़ आएगा कि अभी रेडी है? चीज़ आएगी। अच्छा इसके ऊपर भी चीज़ आएगा, ठीक है। ये निकाल दिया देख लो, ये रख दिया यहाँ पर, ठीक है। फाइनली अब देख लो भाई यहाँ पर आ जाएगा अपने यहाँ पर लास्ट का पर आ जाएगा अलग से। अरे वाह, मतलब टावर जैसे सजा देंगे इसको, ठीक है। भाई देख लो ये आ जाएगा यहाँ पर। तो फाइनली देख लो भाई अपने यहाँ पर जो डोसा है वो रेडी हो चुका है। इसके ऊपर कुछ आएगा कि हो गया? आएगा। अभी क्या डालो? चीज़ी सॉस। ये आ जाएगा ऊपर से देख लो भाई चीज़ी सॉस, चीज़ सॉस डाल दिया ऊपर से ढेर सारा। क्या बात है, एक नंबर। अभी और भी कुछ आएगा? आएगा। 200 रुपये में अपन ने काफ़ी सारी चीज़ें डाल करके रखा हुआ है। ये डाल दिया देख लो ऊपर से यहाँ पर चीज़ सॉस, ठीक है। अभी चीज़ आएगा, ठीक है। नेक्स्ट अभी चीज़ डाल दो फिर। नेक्स्ट देख लो भाई अभी इसके ऊपर चीज़ ग्रेट कर रहे हैं भाई 200 रुपये के डोसे के अंदर। भाई काफ़ी सारी चीज़ें डाल करके रखी हुई है, एक नंबर। तैयार हो गया भी डोसे? कुछ और आएगा अभी? हो गई अभी थोड़ा। अरे बाप रे, ऊपर से आ गया हरा प्याज, धनिया ये आ गया, धनिया अभी तैयार है? तैयार है। दे दो फिर डोसा हाथ में मेरे। तो फाइनल देख लो भाई अपने यहाँ पर जो डोसा है वो तैयार हो चुका है, दिखाना। ये देख लो भाई यहाँ पर जो फायर डोसा है वो फाइनल तैयार हो चुका है। तो एक बार इसका रेट बता देना। 200 रुपये। 200 रुपये। ये जगह कौन सी पड़ जाती है? अपने शॉप का नाम बता दो पहले। डोसा गैरेज। और ये जगह कौन सी है? धरमपेट, गोकुलपेट, धरमपेट। गोकुलपेट धरमपेट नागपुर। और टाइमिंग क्या रहेगा आपके यहाँ का? 10 से 10। और सातों दिन चालू मिल जाएगा?
सातों दिन चालू मिल जाएगा। हाँ, हाँ, हाँ। तो फाइनली हमारे पास जो फ्राइड डोसा है वो रेडी हो चुका है, तो अब जरा इसको टेस्ट कर लेते हैं भाई। ऊपर से ना इन्होंने ढेर सारा चीज और मेयोनीज वगैरह सब डाल करके रखा हुआ था। प्राइस की बात करूँ तो भाई ये है मात्र 200 रुपए का, जिसमें भाई आपको फायर वाला बढ़िया सा स्मोकी सा इफेक्ट मिलेगा। तो अब जरा करते हैं भाई इसको टेस्ट। काफी चीजें सा फ्लेवर है, ऊपर कॉर्न डाल के रखे जिससे काफी बढ़िया स्वाद आ रहा है, हल्का सा स्मोकी टेक्सचर है, मसालेदार अपने यहाँ पर डोसा है, बिना मसाले का डोसा, जो कि काफ़ी बढ़िया फ्लेवर है इसका। कभी अगर आप विजिट करो भाई धर्मपेट साइड में नागपुर के, तो जरूर से विजिट करना डोसा क्रश, बताना कि आपको लगा कैसा। अगर आपकी वीडियो में से वीडियो को लाइक करो, चैनल में तो फॉलो कर लो, मैं तो किसी बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए भाई एंजॉय करो।